नमस्ते सभी को। तो हम लोग अभ्यास एक कर रहे हैं। अभ्यास एक में स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास कर रहे हैं और हम लोग स्टेप 7 तक आए थे और हम लोगों ने फिर सारे स्टेप्स को एक नजर में देखा था कि किस तरह से अपने ऊपर ध्यान देना है। तो अभ्यास एक में अपने ऊपर ध्यान देते हुए स्टेप 1 में हमने अपनी कल्पनाशीलता को और उसमें मुख्य रूप से अपने भाव को देखने का अभ्यास किया था। स्टेप 2 में अपने भाव का मूल्यांकन किया और ये देखने का प्रयास किया कि मेरे अंदर जो भाव है मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। स्टेप 3 में हमने ये देखा कि इस भाव के साथ जो मेरी स्थिति है वो सुखद है कि नहीं। स्टेप 4 में हमने देखा कि इस भाव का निर्णय कौन ले रहा है, मैं स्वयं या कोई बाहर की परिस्थिति या कोई अन्य व्यक्ति। स्टेप 5 में हमने ये देखा कि इस भाव का आधार क्या है, इस निर्णय का आधार क्या है, समझ या मान्यता। और यदि मान्यता आधार है तो मेरे भाव में निश्चितता नहीं रहती, उसमें कोई सुख की निश्चितता नहीं होती, निरंतरता भी नहीं होती। परंतु यदि समझ आधार में होता है तो सुख की निश्चितता होती है, निरंतरता होती है। उसके बाद हमने स्टेप 6 में अपने आप से पूछा कि मुझे कौन सा भाव सहज रूप से स्वीकार होता है, संबंध का या विरोध का, व्यवस्था का या अव्यवस्था का, सहअस्तित्व का या संघर्ष का। तो दिखता है कि मुझे संबंध का, व्यवस्था का, सहअस्तित्व का भाव ही सहज रूप से स्वीकार होता है। तो फिर इस बात पे हम निर्णय ले पाते हैं कि मुझे संबंध का चिंतन करना है, व्यवस्था का बोध संचित करना है, सहअस्तित्व का अनुभव करना है। स्टेप 7 में है ना, उसे अपने आप में सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं कि मेरे अंदर संबंध का भाव हो, व्यवस्था का भाव हो, सहअस्तित्व का भाव हो, न कि अन्यथा। और मेरे जीने में हर निर्णय इसी आधार पर हो, न कि अन्यथा। इतना काम हम कर रहे हैं स्टेप 1 to 7 में, अभ्यास एक में। कल हम लोगों ने ये भी सोचा था कि हम अपने आप में इन सारे स्टेप्स को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। उसको लेकर यदि कोई प्रश्न बना हो, कोई नया नई बात ध्यान में आई हो, कोई उलझन हो, कुछ शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। तो भैया, ये जो 7 स्टेप्स की जो बात चल रही है, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। जो अभी मेरी जो अवस्था है उसके बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ मैं, और क्वेश्चन भी है मेरा कि हम पहले स्टेप में अपने विचार और भावों को देख रहे हैं और स्पेशली भाव पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा भाव देख नहीं पा रहा हूँ। कभी देख पाता हूँ, कभी नहीं, लेकिन विचारों को देख पाता हूँ। जब विचारों को या भाव को देखते हैं तो सेकेंड स्टेप में सहज स्वीकृति आती है। तो सहज स्वीकृति भैया अभी क्लियर ही नहीं होती है। हाँ, ये जरूर मालूम पड़ता है कि जो स्थिति है वो आरामदायक है या विरोध में है, या दुखद है या सुखद है, वो मालूम पड़ पाता है। तो जब ये मालूम पड़ता है कि ये सुखद है या दुखद है, तो हम आगे बढ़ते हैं और फोर्थ स्टेप में ये मालूम पड़ता है कि अब ये विचार जो चल रहे हैं इनको कौन चला रहा है, फिर उनका आधार क्या है, उनके आधार में सहज स्वीकृति, उसके आधार में मान्यता है या सहज स्वीकृति है। तो सहज स्वीकृति तो अभी समझ में नहीं आ रही भैया, तो ये देख पाता हूँ कि वो मान्यता आधारित है या संवेदना आधारित है। अगर मान्यता आधारित भी नहीं है और संवेदना आधारित भी नहीं है, तो लगता है कि सहज स्वीकृति आधारित होगी, वो गेस होता है मेरा, क्योंकि तो सहज स्वीकृति अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि ये जो संबंध का भाव है या विरोध का भाव है या व्यवस्था का भाव है या अव्यवस्था है, या फिर मतलब हार्मनी है या नहीं है, और फाइनली की वो राइट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग भी भैया अभी उस स्थिति में है नहीं, तो वो भी समझ में नहीं आता। जब राइट अंडरस्टैंडिंग है तो सहज स्वीकृति होगी, या सहज स्वीकृति है तो राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसा कुछ थोड़ा आपस में कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये पूरा 7 स्टेप्स एकदम से क्लियर नहीं हो रहा है, और सेकंड स्टेप में ही हम आगे सहज स्वीकृति पर, जो कि अभी समझ के बाहर की बात है मेरे लिए। तो थोड़ा सा भैया जी इसमें जी कंफ्यूजन हो जी रहा है। बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। तो अगर सेकेंड स्टेप में क्लियर नहीं हो रहा कि ये भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, तो थर्ड स्टेप को देखते हैं। थर्ड स्टेप में देखते हैं कि ये स्थिति मुझे सुखद दिख रही है कि नहीं। तो यदि सुखद नहीं है तो काफी संभावना है कि सहज रूप से स्वीकार ना हो, है ना। तो इसको देखना तो बनता है अपने आप में। इनफैक्ट अपनी सहज स्वीकृति को देखना तो निश्चित रूप से बनता है। और इसमें जनरली ये हो रहा होगा कि आप स्टेप 2 को पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्टेप 1 में जो भाव है
वो भाव भी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा, सीधे हम स्टेप थ्री पे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि स्थिति मेरी सुखद है कि नहीं। विचार के बाद सीधा स्टेप थ्री पे जा रहे हैं, वो कहीं कहीं भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाँ ठीक बात है, तो ये भी हो सकता है। तो हम कई बार ये होता है कि भाव स्पष्ट नहीं होता, तो स्टेप थ्री पे जाकर अपनी स्थिति को देखते हैं सुखद है कि नहीं, और उसके साथ फिर भाव को रिलेट करते हैं कि क्या भाव मेरे अंदर होगा। जी एग्जैक्टली हाँ ठीक बात है। तो इसमें तो और थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भाव हमें लोकेट हो, भाव मतलब हम वहां पर जो भी विचार चल रहा है उसके साथ पूछेंगे कि मैं चाहता क्या हूँ, उसके प्रयोजन को देखने का प्रयास करेंगे। तो क्या मैं चाहता हूँ उसको अपने आप से पूछें, और जब मैं चाहना अपनी पूछ रहा हूँ तो वैसे तो मुझे सहज स्वीकृति दिखनी चाहिए, परंतु सहज स्वीकृति न देखकर वहां मुझे अपनी इच्छा भी दिखाई देती है। तो मैं पूछूंगा कि मेरी इच्छा क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, दोनों पूछ लेंगे। तो इच्छा के स्तर पर भाव बनता है, अपने आपसे इच्छा पूछने से पता चलता है। जैसे आपको उदाहरण लीजिए तो उसको पूछ के पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे मेरा भाव क्या है। ठीक बात है, ये अपने आप में जब ऑब्जर्व करने जाते हैं इस तरह की कई बार स्थितियां बनती हैं। जी तो उदाहरण अगर आपने यहाँ पर जो आपने बोला, जो बात मुझे समझ आई है ये कि अगर स्थिति सुखद या दुखद है जो भी है, वहां हमें ये क्वेश्चन करना है कि हमारी, वहां हमें ये जानना है कि हमारी इच्छा क्या है। इच्छा को जानने की कोशिश करेंगे तो हमें भाव पकड़ में आएगा, और ये भाव पकड़ना शुरू हो जाएगा वहां पर। फिर हम आगे उस पर देख सकते हैं कि मान्यता आधारित है या नहीं है, किसी और पर आधारित है, या मतलब मान्यता है या संवेदना है, या सह स्वीकृति नहीं भी दिखाई दे रही लेकिन मान्यता भी नहीं है, और आप ये आपका संवेदना भी नहीं है, और फिर भी आप सुखद स्थिति में है, तो कहीं कहीं सह स्वीकृति है जिसको हम देख नहीं पा रहे। देखिए वो स्थिति भी जो सुखद है ना, उसको भी थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये जो सुखद स्थिति हम कह रहे हैं, जो आराम की स्थिति कह रहे हैं, ये एक अनुकूलता है या स्वयं में सही भाव के आधार पर सुखद स्थिति है। सही, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सुबह का मौसम है, सुबह का समय है, ठंड का मौसम है, रजाई में हम बने हुए हैं और रजाई में बने रहने की इच्छा है, बने रहें। अब हमको लगता है ये स्थिति ज्यादा सुखद है, रजाई में बने, बाहर निकलेंगे है ना, वॉशरूम जाएंगे, तैयार होंगे, या घर के काम करेंगे, या किसी ने कोई काम सौंपा है वो जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, तो ज्यादा दुखद है, ऐसा भी लग सकता है। जी भैया, लेकिन जैसे ये जब हमें मालूम पड़ रहा है कि रजाई से में रहना हमारे लिए सुखद है, लेकिन ये तो हम देख पा रहे हैं कि रजाई में रहना जो सुखद है ये संवेदना पे आधारित है, तो और जब हम उठ करके आज सेशन भी अगर ज्वाइन करेंगे तो हमारे थोड़ा सा हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग बनने में मदद करेगा, जो कि हमारे जीवन को सही दिशा में लेके जाएगा। तो अब यहाँ पर जो आ रही वो हम राइट अंडरस्टैंडिंग की वजह से डिसीजन ले रहे हैं, तो ये कहीं कहीं तो मैच करेगा ना, तो मान्यता है ना संवेदना है, फिर हमने सही डिसीजन ले लिया वहां पर। वही, बट यदि आप स्थिति को देखें तो सुखद लग रहा है। लेकिन माने वो अपन ने देख लिया ना भैया कि ये सुखद जो लग रहा है ये संवेदना आधारित है, ये तो दिख रहा है। हाँ, अब ये अगर स्टेप से जोड़े हैं तो ये स्टेप 1, 2, 3 में तो नहीं दिख रहा है, ये तो स्टेप 5 में जाके दिखेगा। जी भैया, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं स्टेप 5 में फिर ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान्यता आधारित है या संवेदना आधारित है। अगर इन दोनों पे आधारित है तब तो राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और इन दोनों पे आधारित नहीं है तो सह स्वीकृति होगी, ऐसा गेस है। ठीक बात है। तो कई बार ये होता है कि हम सीधे सीधे जी, तो वहां पे अगर सुखद लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी सह स्वीकृति है, इसको मैं ध्यान में ला रहा था। जी 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 भैया, जी जी, लेकिन सुखद लगने के बावजूद हो सकता है हमारी सह स्वीकृति ना हो, लेकिन हम उसको जांच रहे ना भैया कि वो मान्यता आधारित है या संवेदना आधारित है। अगर वो दोनों नहीं है, रुके रुके, ये स्टेप 5 में जाकर हम कर रहे हैं, यानी स्टेप 1, 2, 4 पूरा स्किप हो गया एक तरीके से, या ठीक से पूरा नहीं हुआ। हाँ, 2 पूरा नहीं हो भैया, 3 तो पूरा, 1, 3 पूरा हो रहा है, 4 भी साथ में चल रहा है कि ये जो विचार चल रहे हैं, चाहे भाव को नहीं देख पा रहे लेकिन विचार चल रहे हैं, तो कहीं कहीं मैं ही चला रहा हूँ ये भी दिख रहा है। जी जी, तो 1, 3, 4 चलते चलते 5 पर जाके जंप लग रहा है, 1, 3, 4 नहीं, वहां पे भी आप देखें तो शरीर को संरक्षण देने का भाव है या ठंड से बचने का भाव है स्टेप 1 में, वो स्पष्ट नहीं होता है। फिर तो भैया भाव पूरा स्पष्ट नहीं हो रहा, जिस शरीर को अपन संरक्षण पोषण और सदुपयोग के लिए कर रहे हैं, यही भाव की बात कर रहे हैं
या हमारे अंदर विरोध चल रहा है या हमारे अंदर व्यवस्था विरोध सारा नहीं कुछ चल, भाव में कहीं मूल्य भी शामिल हो रहे हैं, तो यह मूल्य भी भाव ही है भैया। हाँ, ये मैंने तो पहले मूल्य भी वो पूछा था कि भाव मुझे है, भाव, मूल्य वो भाव है जो हमें सहज रूप से स्वीकार है, परंतु जब भाव कर रहे सभी को कह रहे हैं, जो कुछ मेरे अंदर इच्छा में चल रहा है सबको भाव कह रहे हैं। भाव बड़ी टर्म हो गई है, मूल्य भी उसमें शामिल है, संरक्षण पोषण शरीर का वो भी उसमें शामिल है, विरोध चल रहा है या नहीं अपन हार्मनी में है वो भी भाव है, तो ये सारी चीजें भाव के अंदर कवर हो रही है, वो हमें देखना है। हाँ, तो या तो वो मूल्य है या अन्यथा, दोनों ही, दोनों को जोड़ के भाव करें। तो शरीर के पोषण का भी भाव हो सकता है, शरीर के शोषण का भी भाव हो सकता है, शरीर के संरक्षण का भी भाव हो सकता है, अन्यथा भी हो सकता है, सदुपयोग का भी हो सकता है, दुरुपयोग का भी हो सकता है, संबंध में है ना, विश्वास का भी भाव हो सकता है, शंका का भी भाव हो सकता है। फिर तो थोड़ा इजी हो जाता है भैया कि विश्वास का भाव है या अविश्वास का भाव, वो क्लियर होता है यहाँ पे, ये चीज समझ में आती है। या अभी हम स्नेह में हैं या हम उसके विरोध में चले गए हैं या मतलब द्वेष में चले गए हैं, ये तो स्पष्ट होता है कि जैसे किसी से ईर्ष्या हो रही, कंपैरिजन हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये तो स्पष्ट होता है, जी तो ये देखना ही भाव को देखना है भैया। हाँ, ये भी भाव है, द्वेष का भाव भाव है, स्नेह का भाव भी भाव है, स्नेह का भाव सहज रूप से स्वीकार है, द्वेष का भाव स्वीकार नहीं है, इतना ही है। तो भाव देखेंगे दोनों कि हम उसकी कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं कि नहीं। तो अगर स्टेप टू में अगर हमको क्लियर नहीं हो रहा कि सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, तो हम कॉन्टिन्यूटी को देखेंगे कि जो भी मेरे अंदर भाव है उसमें बने रहना चाहता हूं कि नहीं, इसको पूछ के देखें। वो तीन चीजें लिखी थी ना, कि सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, उसकी निरंतरता चाहते हैं कि नहीं, और मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं। तो मानवीय स्वभाव में हम फिर देखते हैं कि क्या हर एक के अंदर ऐसा भाव हो ये ठीक रहेगा, तो ही पता चलता है कि नहीं, सार्वभौमिकता हम नहीं चाहेंगे, निरंतरता हम नहीं चाहेंगे। तो या तो हम ऑब्जेक्टिवली सहज स्वीकृति के अवसर पर देख लें, अदरवाइज निरंतरता को देखें, सार्वभौमिकता को देखें, तो भी स्पष्ट हो जाता है। ठीक है भैया एक भैया एक क्वेश्चन और था, जी। कल आपकी वो मीटिंग, मंथली मीटिंग भी अटेंड की पहली बार, पहले मंथली मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया था, इस बार अटेंड किया मैंने, क्योंकि मुझे ज्वाइन किए अभी 1.5 महीने हुआ है, तो काफी चीजें जानने को मिली, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। लेकिन भैया उसमें थोड़ा सा अभी जो नए, जैसे मैं नया हूँ इस UHV के लिए, प्रोसेस में तो पहले से हूँ किसी और माध्यम से, लेकिन UHV के लिए नया हूँ, तो अभी बहुत सारी चीजें एकदम से स्पष्ट नहीं हो पाती कि UHV में क्या क्या काम हो रहा है और मैं किसमें किसमें जाके और एक्सप्लोर कर सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं नया हूँ तो मुझे पता नहीं। जैसे मैं एक वर्कशॉप कर चुका हूँ और अभी मॉर्निंग सेशन कर रहा हूँ, अभी दो ही चीजें मैंने की हैं, बहुत ज्यादा अध्ययन और उसके लिए समय नहीं मिल पाता है, तो ये दो चीजें मैं रेगुलर कर रहा हूँ, तो अभी और समय का मतलब अभी मिले, आज से जैसे मैं एक वर्कशॉप वापस ज्वाइन कर रहा हूँ जो ऑनलाइन है, 2 से 6 तक, मैं 5 दिन की वो भी ज्वाइन जी कर रहा हूँ, तो अभी मुझे इतना स्पष्ट हुआ तो मैं ये कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा और जानना है कि मैं कैसे और चीजें, अगर समय मिलता है अनुकूल उसके अकॉर्डिंग, तो मैं और क्या करना, मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि कल भी आपने काफी जानकारी दी है, बहुत स्तर पे काम चल रहा है, बहुत सारी जगह काम चल रहा है, तो एकदम स्पष्ट नहीं हो पाता है कि अब आगे स्टेप और कैसे बढ़ाएं ताकि ग्रोथ और अच्छे से हो सके। देखिए, करने का काम यही है कि स्वयं में हमारे अंदर सही समझ सही भाव विकसित हो और परस्परता में हम फैल कर भागीदारी करें, इतना ही है। इसको बढ़ाने के लिए जो UHV में जो चल रहे हैं कार्यक्रम, उनमें क्या स्टेप्स हो सकते हैं, जैसे अभी वहाँ कानपुर में सार सूत्र करके कुछ हुआ था, उसमें भी जाने का भाव था, परमिशन भी मिल गई थी, लेकिन कुछ कारण से जा नहीं पाया, तो मालूम चला कि मार्च में हो रही है, तो अभी प्लान ये करा कि 22 मार्च से 15 दिन का समय निकाल के उसको ज्वाइन करना है, तो अभी तक तो ये स्पष्ट हो रहा है, तो जैसे अध्ययन में और क्या कर सकते हैं जो घर बैठे भी कर सकते हैं या कहीं जाके कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, जो आपने बताया कि समझ पर और पारस्परिकता पे काम करना, ये तो समझ में आ रहा है, वो जीवन में कर भी रहे, जीवन में करना शुरू भी कर दिया है, जी, तो यूएचवी के जैसे प्रोग्राम में, समझने के, यूएचवी के प्रोग्राम में कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कई स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है। है ना, तो जो वर्कशॉप्स की अगर बात करें, जो डॉक्टरी वर्कशॉप अटेंड कर लिया, उसके बाद हमने लेवल 2 का जो UHV 2 वर्कशॉप है, मतलब लेवल 2 ना कहें उसको, UHV 2 वर्कशॉप है, उसको अटेंड किया। उसके साथ ही हम ये वर्कशॉप्स को हम बारंबार अटेंड कर सकते हैं।
फिर अपने आप को एक रिसोर्स पर्सन के रूप में डेवलप करने के लिए हमने मीटिंग्स अटेंड करना शुरू किया, उसमें डेमो सेशंस देना शुरू किया। ये भी है ना एक संभावना, इस पे कई लोग इसको पूरा कर रहे हैं। फिर हमने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो जो ऑनलाइन वर्कशॉप्स हो रहे हैं, जो फेस टू फेस वर्कशॉप्स हो रहे हैं, उसमें भागीदारी शुरू की। उसमें भी कई प्रकार के रोल्स हैं, जैसे एक रोल मॉडरेशन का है, एक रोल जो पोटेंशियल लोग हैं जिनके अंदर संभावना दिख रही है उनको आइडेंटिफाई करने का है, पोटेंशियल पीपल आइडेंटिफिकेशन हम लोग एक नाम देते हैं उसको, PPI, उसको पूरा करने का है। तो इस तरह के बहुत सारे रोल्स हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर अपने आप में और गहनता से काम करें। PPI क्या भैया? PPI पोटेंशियल पर्सन आइडेंटिफिकेशन, मैं एक रोल बताया जी। तो आप वीकली मीटिंग्स अटेंड करना शुरू करें, वर्कशॉप अटेंड करना शुरू करें, मॉर्निंग सेशन आप अटेंड कर ही रहे हैं, फेस टू फेस वर्कशॉप होते हैं तो आप उसको अटेंड करें ना? और संस्थान में जो सार सत्र हो रहा है उसको अटेंड करें तो और अच्छा, परंतु उसके लिए कुछ तैयारी आपको करनी होगी, वो तैयारी आप करके जाएं तब उपयोगी रहेगा। तो जिनसे भी आपको सूचना मिल रही, जो संपर्क सूत्र हैं उनसे आप पूछ लीजिए, तो वो तैयारी आपको करनी होगी। और वैसे है ना एक रिसोर्स पर्सन के रूप में डेवलप होने के लिए क्या क्या अभ्यास किए जा सकते हैं, उस पर कुछ प्रेजेंटेशन भी बनाए गए हैं, उसकी कुछ रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, उससे भी आप गुजर सकते हैं। हाउ टू शेयर वैल्यूज को लेकर एक पूरा प्रेजेंटेशन भी बनाया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो मुख्य काम इतना ही है कि हम स्वयं में एक छोर पे अनुभव तक पहुंचने के लिए काम करते हैं, दूसरे छोर पे अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा, इसमें भागीदारी के लिए काम करते हैं। कुल बात इतनी है जो अपने आप में निश्चित है। बाकी ये जो स्टेप्स हैं अपने आप को विकसित करने के लिए, ये पर्सन टू पर्सन वैरी भी कर सकता है। कोई ऑनलाइन वर्कशॉप से जुड़ता है, कोई फेस टू फेस वर्कशॉप से जुड़ता है, कोई जहाँ पे काम चल रहे हैं वहाँ पहले से भागीदार रहता है तो अपने संवाद के द्वारा धीरे धीरे समझता चला जाता है। तो ये बहुत सारी संभावना है, बट कोर बात इसमें यह है कि मुझे स्वयं में अनुभव तक पहुंचना है और परस्परता में मानवीय परंपरा तक भागीदारी करनी है। ये जो कोर्सेज की डिटेल भैया किसी एक वेबसाइट पर अवेलेबल है या ये सब यूट्यूब पर ढूंढना पड़ेगा ऐसे? ये भी है, रिकॉर्डेड है, ये देख के आपको बता देंगे। तो अभी आपका सिर्फ इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप हुआ है, तो आप इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप रिपीट कर लें जो आज से आप करने वाले हैं, तो उससे भी अपने आप में क्लैरिटी बनेगी। और पहली मैंने ऑफलाइन की थी भैया, अभी ऑनलाइन कर रहा हूँ। अच्छा, ऑफलाइन आपने कहाँ पे किया था? भीलवाड़ा, हमारी कॉलेज में हुआ था भैया, भानु प्रताप जी आए थे कानपुर से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो आप ऑनलाइन अटेंड करें, ऑनलाइन में कंटेंट की और क्लैरिटी और ज्यादा बन पाएगी, यानी कि जितना आपने भी समझा है वो तो है ही, बट बार बार सुनने से भी और क्लैरिटी बनती है। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। वैसे ही और आप गहराई में जाना चाहें तो UHV3 का स्वयं पे कोर्स अपलोडेड है, जो सेल्फ पेस्ट कोर्स के रूप में है, उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। उसमें भी जितने लेक्चर्स हैं वो सारे आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो और आप सेल्फ और एग्जिस्टेंस के बारे में गहराई से जान सकते हैं, ये भी संभावना है। बट मुख्य बात है कि आप पार्टिसिपेट करना शुरू करें इसमें, तो अपने आप में तो काम से तो चलता रहेगा। पार्टिसिपेट करने से ये होता है कि हम अपना मूल्यांकन भी कर पाते हैं और हमको एक और आवश्यकता अपने आप में दिखने लगती है कि इससे कम समझ के तो ये भागीदारी नहीं हो पाएगी। ये भागीदारी महत्वपूर्ण है। तो जैसे अभी भी देखें, ये मॉर्निंग का सेशन चल रहा है तो कई लोगों के सहयोग से चल रहा है, जिन लोगों को पैनल में रखा गया है उन सब लोगों के सहयोग से चल पा रहा है। तो मॉर्निंग सेशन के लिए कई लोग जिम्मेदारी स्वीकार रहे हैं, कुछ लोग मंथली मीटिंग्स के लिए, कुछ लोग वीकली मीटिंग्स के लिए। और वैसे ही हम लोगों ने करीब 40 से 50 प्रोजेक्ट्स लिस्ट किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे भी काम चल रहा है। अपने कई साथी हैं जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो ये जितना भी जैसे कंटेंट तैयार हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक ना, डेटाबेस तैयार हो रहा है, इस सारे को कई साथी मिलकर देख रहे हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारे एक्टिविटीज हैं जो रेगुलर हैं, उसमें भी आप भागीदारी कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट को है ना आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे है सारे प्लेलिस्ट पड़े हुए रखे हुए वहाँ पे जी। ठीक है भैया जी, थैंक यू भैया, थैंक यू जी। बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया।
काफी उत्साह है आप में, काफी जिज्ञासा है, काफी बारीकी से आपने एक स्टेप को स्टडी करने का प्रयास किया है। किन्हीं और का कोई प्रश्न हो तो शेयरिंग में तो रख सकते हैं, और वैसे हम लोग 10 मिनट का समय भी ले लेते हैं। इस 10 मिनट में हम अपने आप में इन सातों स्टेप्स को ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप में संबंध के भाव, व्यवस्था के भाव को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। संबंध के भाव से शुरू करें, संबंध के भाव को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। इसी क्रम में हम लोगों ने कुछ बहुत ही छोटे स्टेप्स लिए थे कि अपने आप में ये देखना कि क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, फिर ये देखना है क्या दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है। यदि हम इस बात को देख पाए हों कि क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, उसके हाँ रिस्पॉन्स मिल गया हो, तो अपने आप में देखें कि क्या दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, उसको भी देखें अपने आप में। जी, तो हम लोग 10 मिनट का समय लगाते हैं अभ्यास के लिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। इस बीच में कोई प्रश्न नहीं लूंगा, हम अपने आप में ऑब्जर्व करें। तो आपके ऑब्जर्वेशन से यदि कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। मैं चाहूंगा बैच 6 के जो अपने साथी हैं जिन्होंने पहली बार कोई मॉर्निंग सेशन अटेंड किया है, उनमें से कुछ ही लोगों के रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, और कोई अगर रिफ्लेक्ट करना चाहें, प्रश्न करना चाहें तो स्वागत है। बैच 6 तो क्या हम लोग अभ्यास 1 के समाप्ति की ओर है। भैया आपने बोला कि स्वयं को स्वयं के द्वारा देखने का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें मैं ये देख पा रही हूँ, और आज आपने जो बोला अभी हम लोग जो कर रहे थे 10 मिनट, कि ये देखना है कि मैं दूसरों को सुखी करना चाहती हूँ और हूँ या नहीं, और दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है या नहीं। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि मैं दूसरों को सुखी करना चाहती हूँ, ये कन्फर्म्ड है। दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है क्या, ये थोड़ा कंफर्म नहीं है, क्योंकि उनका वैसा कोई विचार या प्रोग्राम नहीं लगता। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि दूसरा मुझे दुखी बिल्कुल नहीं करना चाहता, भले सुखी करना है या नहीं ये उनके प्रोग्राम में या विचार में भी नहीं है। लेकिन ये मैं श्योरली कह सकती हूँ कि दूसरे के प्रोग्राम में मुझे दुखी करने का तो कोई भी इरादा नहीं है। अभी जो कुछ अभ्यास चल रहा है उससे मैं धीरे धीरे आराम पा रही हूँ कि सच देखूं और ज्यादा डीप जाके देखूं तो मेरा तो विचार स्पष्ट है, मैं दूसरों को सुखी करना चाहती हूँ। लेकिन ये देख के मुझे और ये अभ्यास करके मुझे और अच्छा लग रहा है कि दूसरे का मुझे दुखी करने का विचार नहीं है, लेकिन वो सुखी करना चाहता है कि नहीं इस पे मैं अभी तक मैं कैसे कंफर्म करूं, या फिर कंफर्म नहीं हो सकता है, वो नहीं हो रहा है। इतना तो अपने आप में देखें, अपने आप में देखें कि आप दूसरे को दुखी नहीं करना चाहती हैं या सुखी करना चाहती हैं, क्या दिख रहा है अपने आप अपने बारे में। सुखी करना चाहती हूं फॉर श्योर, सुखी, उससे थोड़ा ज्यादा, दुखी तो बिल्कुल नहीं। जी, तो जो हम लोग 4 प्रश्न करते हैं चाहने को लेकर, उसमें स्टेप 2A और 4A पे 3-3 प्रश्न बनेंगे। तो अपने बारे में ये पूछेंगे कि मैं दूसरे को दुखी करना चाहती हूँ, या मैं दूसरे को न तो सुखी न दुखी करना चाहती हूँ, कोई लेना देना नहीं है। हाँ। या मैं दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ, 3 संभावनाएं। जी, वैसे स्टेप 4A पे भी है ना 3 संभावनाएं बनेंगी, क्या दूसरा मुझे दुखी करना चाहता है, या दूसरा न दुखी न सुखी करना चाहता है, या मुझे सुखी करना चाहता है। बढ़िया बात है। हाँ। अपने बारे में अगर हम ऑब्जेक्टिवली देख पाएंगे कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ तो दूसरे के बारे में देख पाएंगे, परंतु ये भी हो सकता है कि हम अपने बारे में कई बार सोचते हैं भाई हमें क्या लेना देना, सुखी हो कि दुखी हो, है ना। वैसे हम दूसरे के बारे में मान लेते हैं उसको हमसे क्या लेना देना, सुखी हो कि दुखी हो। तो चाहना क्या है, चाहना मतलब सह स्वीकृति, उसके बारे में व्यक्ति कल्पना कर रहा हो ना कर रहा हो अलग बात है। जो हमारी कल्पनाशीलता है वो तो हमारी योग्यता का भाग है, सह स्वीकृति को देखना है। जी, इसको ऑब्जर्व करें, बढ़िया बात है। देखिए क्या होता है, इन सब चीजों को जब हम लोग डीपली एक्सप्लोर करते हैं तो उसके जो माइनर स्टेप्स है ना वो दिखने लगते हैं, जो माइन्यूट स्टेप्स हैं। तो अपने बारे में हम देखना चाहते देख सकते हैं कि क्या मैं सुखी होना चाहता हूँ, या मैं दुखी नहीं होना चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, या सुखी हो कि दुखी हो कोई लेना देना नहीं है।
या दुखी होना चाहता हूँ, ये भी सोच सकते, ये भी पूछ सकते अपने आप से। तो इसमें आसानी से हम कह पाते नहीं मैं दुखी नहीं होना चाहता, है ना? जी ठीक जी। और दुखी नहीं होना चाहना एक बात है, सुखी होना चाहना उससे आगे की बात है। तो दुखी नहीं होना चाहने का मतलब मैं दुख से निकलना चाहता हूँ कि नहीं? राइट यस जी भैया, वैसे देखती हूँ मैं अभी। हाँ, जब तो दिन क्या भर मैं या फिर दुख से निकलना चाहता हूँ या मैं सुखी होना चाहता हूँ? तो अभी कई बार आपको दिखेगा कि सुख का तो पता नहीं है होता क्या है, हो भी सकता है कि नहीं। कई बार ऐसे भाव विचार भी आते हैं, कौन दुनिया में सुखी हुआ तक, कौन निरंतरता में सुखी हुआ, दुख से निकल जाऊं मैं। तो हमारे अंदर सही कई बात। बार भाव भी बनता है, सुखी होना चाहते कि नहीं चाहते मुझे नहीं पता, दुख से निकल जाए, ये दुख चला जाए, सुखी जब होंगे तब देखा जाएगा, है ना? जी तो जी कई बार अपने जी में ये भी भाव बनता है। ये अच्छे हैं, ये सब माइनर माइनर स्टेप्स जो है ना, माइन्यूटली इसको जी ऑब्जर्व करें और इसको नोट करें। तो एक जी एक भाव को समझने में जो हमको समय लगता है, उस समय को हम कम कर सकते हैं ऐसे एक्सप्लोरेशन से, ऐसी चर्चा से। जी मुझे ध्यान है पहले जब वर्कशॉप होता था तो हम लोग विश्वास के भाव में सिर्फ एक वाक्य लिखते थे कि दूसरे के प्रति आश्वस्ति का भाव, कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है। फिर इसको समझने में कठिनाई होने लगी तो फिर हम लोगों ने उसको ओपन अप किया, चाहने को चार प्रश्नों में रखा, फिर लगा हाँ इससे भी स्पष्ट नहीं हो रहा, तो फिर योग्यता को सामने रखा। तो एक वाक्य से चार प्रश्न बन गए, चार से फिर आठ प्रश्न बन गए, है ना? अब इन आठों प्रश्नों को हम 24 प्रश्न भी बना सकते हैं जी कि नहीं, और उसको और जी ऑब्जर्व करेंगे हायर लेवल, है ना, ऐसे इंटेंसिव सेशंस बनाकर और ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ देखें उसको अपने आप में कि क्या मैं दुख से निकलना चाहती हूँ या मैं सुखी होना चाहती हूँ, या ठीक है जैसा भी है दुख कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट कई बार सुख शब्द को भी जिस तरह से हमने प्रयोग किया है कि सुख और दुख में एक समान रहे, अब वहां पे जो सुख कह रहे हैं और जिसको अभी हम सुख कह रहे हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो सुखी होना चाहते हैं या सुख दुख में एक समान बने रहना चाहते हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है। कई लोगों के अंदर ये प्रश्न बनेगा कि हम सुखी होना चाहते हैं या सुख दुख में एक समान बने रहना चाहते हैं। सही बात तो है जी, तो अभी अगर हम सुख को बाहर देखेंगे, कोई अनुकूलता को अनुकूल संवेदना या अनुकूल भाव, ठीक, और दुख को प्रतिकूल संवेदना प्रतिकूल भाव, तो ऐसा लगता है कि हम सुख दुख में एक समान बने रहे, जो कई बार परंपरा में कहा भी गया। परंतु यदि हम सुख को सही समझ, सही भाव के रूप में देखें, स्वयं में संगीत व्यवस्था के रूप में देखें, हम सुखी होना चाहेंगे। तो यदि हम सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं तो फिर ये बात निकल गई सुख दुख में एक समान बने रहे, सुख को भीतर देख रहे हैं तो हम सुखी होना चाहेंगे। तो ये सारी बारीकियां स्पष्ट होंगी ना, क्योंकि क्या होता है कि हम कोई बात सुनते हैं, बात हमको ठीक भी लगती है, बट हमारी कल्पनाशीलता में कुछ अंडर करेंट्स चल रहे होते हैं, जो हमने सुना है, पढ़ा है, विश्लेषण किया है, देखा है, जो भी देखा है, जितना देखा है, ठीक है ना? और उनके आधार पर हमारे अंदर बहुत सारा अंडर करेंट चलता रहता है, उस अंडर करेंट को हम पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं ताकि सत्य दिख जाए, वास्तविकता दिख जाए। तो ये सारे अंडर करेंट जो हैं, हमारी कल्पनाशीलता के एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्या चलता है हमारे अंदर, मेरे अंदर क्या विचार उठा जब कोई बात हमने सुनी, क्या भाव उठा कोई बात हमने सुनी। जैसे आमतौर पर होता है कि आप लोगों से बात करिए आम चर्चाओं में, जैसे सुख की बात करिए तो सब है ना एक, या फिर लोग ऐसा कहना शुरू करते हैं, भाई ये बातें सब ठीक है बट कौन सुखी हुआ आज तक, मुझे नाम बता के दिखाओ कौन आज तक सुखी हुआ, कौन निरंतर सुखी हुआ। फिर परंपरा के लोगों को ले आएंगे कि देखो उनके बारे में ये कहानी है ना, जिसको भी हम श्रेष्ठ मानव के रूप में स्वीकारते हैं, वो भी तो दुखी हुए थे, वो भी तो ऐसा हुआ था। तो अभी मानव के अंदर सुख को लेकर शंका है, सुखी होने को लेकर शंका है, ठीक, और बात सर यही से शुरू हो रही है और इसी पे हम रिजॉल्व नहीं है। तो बातें हम लोग सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं, बट अपने आप में उन शंकाओं को ढो रहे होते हैं। मुझे ध्यान है मैं अपने कॉलेज में स्टाफ के लिए वर्कशॉप कर रहा था, वर्कशॉप का हम लोग रेगुलर सेशन शुरू किए थे, और मैं देखा कि उनके अंदर इतने तरह के प्रश्न और भाव है, स्टाफ भी थे फैकल्टी भी थी,
बट कुछ स्टाफ इतने वोकल हो गए, उनके अंदर बहुत सारा प्रश्न है, उनके अंदर बहुत सारा विरोध है मैनेजमेंट को लेकर, जो आमतौर पर नहीं कह पाते हैं, और जो कुछ पढ़ा है सुना है उसको लेकर इतनी सारी शंकाएं हैं कि लगता है कि सुख के भाव को भी स्पष्ट करने के लिए कम से कम 4-5 बार बैठना पड़ेगा। तो हमने 2-2 घंटे वीकली मीटिंग शुरू की थी उनके साथ, बट ये समझ में आया कि एक छोटी सी बात जो सुख एक शब्द है, इसको भी क्लैरिफाई करने के लिए बहुत सारा समय लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे शंकाएं हैं, प्रश्न है, सुविधाओं को लेकर बहुत सारे शंकाएं हैं, प्रश्न है। तो ये सब हम अपने अंदर ढोते रहते हैं कई बार, और बहुत जरूरी है कि इन पे हम समाधानित हों। ये जो अभ्यास सत्र है, ये इसका महत्व यही है कि जो कुछ भी हमारी कल्पनाशीलता में चल रहा है, जो शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, द्वंद्व हैं, उलझन है, कंफ्यूजन है, जो हमने कुछ पढ़ा है उससे वितरेक है, उससे भिन्नता है, जो बात कही जा रही है, वो सब हमको स्पष्ट हो, हम निकल कर आए वो चीजें, और हम एक एक शब्द के अर्थ में जा पाए, उसको अपने आप में देखने का काम कर पाए। जी भैया, और सुख और समाधान एक ही है या समाधान के आगे जाके थोड़ा सुख है? देखिए, ठीक से देखेंगे अगर समाधान का अर्थ स्पष्ट हो तो समाधान ही सुख है। ओके, तो सही समझ सही भाव को समाधान कहा। समाधान मतलब कोई उपाय नहीं, उपाय तो दुख से निकलने का होता है या समस्या के निराकरण का उपाय होता है। समाधान तो मतलब निरंतर सुखपूर्वक जीने की स्पष्टता को समाधान का। जी भैया, जी जी, तो मैं बारीकी से देखती हूँ कि मुझे सुख, मतलब मैं देखने का ट्राई करती हूँ कि मुझे सुखी होना है या मुझे दुख से निकलना है, या फिर सुख दुख में मुझे एक समान बने रहना है, मुझे क्या, मेरी चाहना क्या है, ये पहले देखती हूँ, और आई विल कम बैक टू यू अगेन ऐसा जब चर्चा होगी। धन्यवाद भैया। हाँ जी, अभी एक बात आई थी कि जैसे हम अपने पुराने ग्रंथों को उठा के बोलते हैं कि उनको भी दुख आया था, लेकिन मेरे ख्याल से दुख जो चीज है वो फील करने की चीज है। परिस्थितियां तो विपरीत आती रहती हैं, लेकिन उस टाइम हम कितने स्टेबल है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक। कि विपरीत परिस्थितियां आई, सब चीज आई, लेकिन आदमी कितना स्टेबल रहा, कितना स्थिर रहा, उससे उसने फील दिमाग में फील किया है, मन में फील किया है, नहीं किया दुख, कि मुझे दुख है या सुख है। सुख और दुख फील करने वाली चीजें वो एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड नहीं करती, जो मुझे लग रहा है। वही अब हम एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं कि सुख किसको कह रहे हैं, है ना। तो स्टेबल होना सुख है या कुछ और सुख है, सुख है क्या? ठीक, तो सो एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि बात सारी यहीं से शुरू हुई थी कि सुख स्वभाव है कि प्रभाव है। तो जो कुछ बाहर हो रहा है उसका तो प्रभाव ही बनेगा हमारे ऊपर। यदि स्वभाव है तो फिर बाहर की घटनाओं से फ्री है, उससे मुक्त है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बाहर में घटनाएं जैसे भी होती है, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, मैं अपने सही समझ सही भाव के साथ सुख की स्थिति में बना रहता हूँ। अच्छा, ये भी एक प्रश्न बनता है कई बार लोगों का, इसका मतलब ये घर में यदि कोई डेथ हो गया तो क्या मैं सुखी रहूंगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब ये सब ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो हम अपने अंदर ढोते रहते हैं, कई बार बने रहते हैं हमारे अंदर, और उस पर ठीक से हम ध्यान नहीं दे पाते। तो इन प्रश्नों को लिख लेना जरूरी है। तो सुखी होने का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा हंसते रहेंगे ना, सुखी होने का मतलब हम समाधानित रहेंगे, हमारे अंदर सही भाव सुनिश्चित रहेगा। तो घर में किसी का डेथ हो गया है ना, तो हमको दिखता है वहां पर समाधान क्या है, मेरा भाव स्थिर बना रहता है, मुझे मैं और शरीर की स्पष्टता बनी रहती है। तो शरीर गया है, मैं बना हुआ है, ये बात हमको दिख रही होती है अपने आप सहज रूप से, उसके साथ मुझे अपनी भागीदारी दिख रही होती है, उसके साथ अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी दिख रही होती है। भैया, सुखी रहने का मतलब ये भी नहीं है आई थिंक कि हमेशा हंसते रहो, या वो भी नहीं है, वो एक अंदर की फीलिंग है मुझे जो लग रहा है। वही अभी उसी को तो एक्सप्लोर करना है कि अभी तो बहुत सारी चीजों को हम हिंट करते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो सुखी रहने का मतलब फिर से उसको रख देते हैं, संगीत में व्यवस्था में होना, अपने आप में हारमोनी में होना, तो सही समझ सही भाव के साथ हो पाता है।
जी हाँ जी उसकी निरंतरता तभी होती है जब मेरे अंदर सही समझ सही भाव की पूर्णता होती है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद जी बढ़िया भैया। बैच सिक्स से और कोई यदि प्रश्न करना चाहें तो शेयरिंग करना चाहें। कई अपने साथी हैं जिनका नाम बैच सिक्स में चला गया है परंतु वो तो पहले भी अटेंड करते रहे हैं। इन चीजों को हम ऑब्जर्व करें, स्टेप वन टू स्टेप सेवन इसको ऑब्जर्व करें अपने आप में। तो मुख्य काम यह है कि मुझे अपने अंदर चिंतन की क्रिया को जागृत करना है, बोध की क्रिया को जागृत करना है, अनुभव की क्रिया को जागृत करना है। शुरुआत चिंतन से करेंगे। चिंतन का मतलब हुआ कि सही भाव मुझ में स्थापित हो जाए। सही भाव को स्थापित करने के लिए अपने भाव को सजग होंगे, उन भाव में परिमार्जन करेंगे। ये तो दिख रहा है अपने को कि भाव के प्रति सजग होना भी एक हो सकता है डिफिकल्ट टास्क लगे, जो भी चर्चा हो रही थी है ना कि हम भाव स्किप कर जाते हैं, विचार दिखते हैं नहीं। और कई बार हमें भाव स्पष्ट नहीं होता कि भाव वहां पर है क्या, जो कृष्ण जी कह रहे थे। तो स्टेप वन भी क्लियर नहीं होता, स्टेप टू और क्लियर नहीं होता। जब भाव नहीं दिख रहा तो साहसिक प्रति है कि नहीं, कैसे देखें, तो फिर अपनी स्थिति को देखते हैं सुखद है कि दुखद है। वहां भी अनुकूलता से सुखद है या सही भाव से सुखद है ये तय नहीं होता। स्टेप फोर में हम मान लेते हैं कि निर्णय तो मैंने ही लिया। स्टेप फाइव में जाके फिर उसके आधार को देखते हैं, समझ है कि मान्यता। अब जब समझ ही स्पष्ट नहीं है तो मान्यता ही है, ऐसा मान सकते हैं, बट ये भी एक मान्यता बन जाएगी तो फिर वहां और है ना कठिनाई होती देखने में। तो आप पाएंगे हर एक स्टेप पे कहीं ना कहीं हम उलझ जाते हैं। इसलिए अपने भाव के प्रति सजग होना अत्यंत आवश्यक है। इस पे अपन जितना भी समय लगा सकें लगाए, इसको अपने आप में देखने का प्रयास करें कि मेरा भाव मुझे स्पष्ट रहे। भैया मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे अभी इसलिए मैं यूनिवर्सिटी में एक सर है, तो मैं चूंकि इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम कर रहा हूँ। तो उनकी कुछ व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं को देख करके उन्हें काफी चीजों को सुधार करने की कोशिश की, उनकी उनके पत्नी और परिवार के बीच का मुद्दा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आते आते चूंकि उनकी बहुत सारी गलतियां थी भविष्य में जिसको लेकर के वो बहुत दिक्कतों में जी रहे थे, और वो सब चीजें क्लियर हुई थी। जब क्लियर हुई तो उनकी पत्नी एकदम अग्रेसिव हो गई और उन्होंने बिल्कुल भैया थोड़ा सा और एक बार फिर से कह दें क्या शब्द कम। मेरी यूनिवर्सिटी में सर एक सर है, मैं चूंकि वहां पे डायरेक्टर के पद पर काम करता हूँ, तो उनकी पारिवारिक समस्याओं आई मेरे सामने तो मैं उसको सलूशन देने की कोशिश की बहुत सारी। अब चूंकि यूएचबी से बहुत सारा मैंने लंबे समय से मैं जुड़ा रहा, विद्या से भी जुड़ा रहा और अब इस चीज को ज्यादा महत्व दे के चलता हूँ, तो इन्हीं सब संबंधों के भाव को लेकर के मैंने उसको ठीक करने की कोशिश की और धीरे धीरे करते हुए काफी सुधार भी हुआ। लेकिन उन्होंने कंसेशन करने के चक्कर में अपनी पुरानी बहुत सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी कि और मदर संबंध हो सके, ये बहुत बड़ी गलती हुई उनसे। अब मामला तलाक तक पहुंच गया, ये व्यक्ति के साथ रहने ही नहीं है और ऐसा ऐसा करके। अब मैं पिछले 10 दिनों से करीब मैं देख रहा था, मैं अपने अंदर ये देख रहा था कि मेरे अंदर अशांति या ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक प्रेम का भाव तो था कि इस व्यक्ति का परिवार बचना चाहिए। और अब चलते चलते स्थिति ऐसी आ गई है कि वो दोनों ही मुझसे बोलते कि हमें क्या करना चाहिए। अब मैं बड़ा परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं क्या सलाह दूँ। मैं तो हमेशा ही बोल रहा हूँ कि साथ में रहो, आगे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पत्नी का कहना है कि इतना व्यक्ति जो हमारे साथ रहे क्या विश्वसनीय जीवन जीता है, यहाँ वहाँ संबंधों में चला जाता है, वैसे के साथ मुझे रहना ही नहीं है, और आप इसकी क्या गारंटी लेते कि ठीक हो जाएगा। मैं बड़ा असमंजस में हूँ, मेरे का कुछ मार्गदर्शन आपसे शायद मिल सके तो मैंने कहा आपसे पूछ लूंगा। जी देखिए, ना तो साथ रहने से सुख है ना अलग होने से सुख है, सही समझ सही भाव से सुख है, ये अपने को देखना जरूरी है। और इसमें कोई चूक नहीं है, अगर पत्नी पति ने अपनी सारी बातें पत्नी को बता दी, वो संबंध में ऐसे संबंधों में स्पष्टता तो जरूरी है। अगर उनके तरफ से चारित्रिक दोष रहा है तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना बनता है ना। और उनमें
अगर पत्नी ये कह रही है कि इनमें सुधार होगा, ये क्या गारंटी है? तो ठीक बात है, इसे गारंटी देना भी बनता है कि इनमें नैतिक सुधार होगा। तो ऐसा नहीं कि हमें लुके छिपे तौर पे संबंध को चलाना है उससे कोई सुख हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ऐसे संबंधों में तो पूर्ण स्पष्टता की जरूरत है, पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ एक दूसरे के साथ शेयर करने की जरूरत है। और यदि योग्यता नहीं तो योग्यता को बढ़ाएंगे। तो हस्बैंड को ये बनता है कहना कि हाँ, मुझ में ये इस तरह की नासमझी रही है और मैं अब कमिट करता हूँ कि आगे मैं समझ के लिए काम करूंगा। उनको साथ बनाए रखना कोई न्याय सुनिश्चित हो जाएगा संबंध में, उभय सुख होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो कई बार हम जो समाधान देते हैं वो समाधान भी दूसरे के लिए दुखकारी हो सकता है। कि एक व्यक्ति है जो गलत जीता रहा है, अपने ऊपर काम भी करने को तत्पर नहीं है, और उसके साथ संबंध को फिर भी दबाव में बनाए रखना है, तो अगले व्यक्ति के लिए दुखकारी तो होगा ही। तो मैंने कह रहा हूँ अलग होना भी समाधान है। मैं तो कह रहा हूँ सही समझ से भाव सुनिश्चित करना समाधान है। तो एक अच्छा समाधान तो इसमें यह है कि आप दोनों कहें कि वर्कशॉप अटेंड करें, खुद में भी सही समझ सही भाव इंश्योर करें, दूसरे को इंश्योर करने के लिए सहयोगी हो पाए, सहभागी हो पाए। तो पत्नी कंसर्न तो जेन्युइन है ना, कि इनमें अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है तो आगे समस्याएं बनी रहेंगी। तो उनको हस्बैंड को कमिट करना बनता है कि मैं अपने को ट्रांसफॉर्म करूंगा, और यदि इनकी तरफ से ही गलती है तो उनको अपने ऊपर ठीक से काम करना चाहिए जी। और ऐसा नहीं कि चूंकि हस्बैंड एम्प्लॉय है मेरा इसलिए मैं हस्बैंड की तरफ से सोचूंगा, नहीं, मैं तो संबंध की तरफ से सोचूंगा। मैं संबंध से भी सोच रहा हूँ सर। और अभी क्या है, उन्होंने ये अभी कहा एक वर्कशॉप हुई थी, उस वर्कशॉप में बैठे दोनों पति पत्नी बैठे थे और उसका फायदा उनको मिला बहुत है। जीने के तरफ कभी बहुत गहरे से देख पाए हैं और बहुत परिवर्तन भी आया। वो व्यक्ति की योग्यता, व्यक्तिगत सामान्य व्यवसायिक योग्यताएं बहुत ज्यादा है, मगर जीवन की योग्यता में कमी थी। और बहुत ज्यादा भी थी, थोड़ा बहुत यहाँ करता रहता था। ये समझ में हम लोग को अभी आया, पहले नहीं था। और जब उसने खुद हम लोग के सामने बताया कि मैं इस तरह का जीवन जीता रहा, तो हम खुद भी हतप्रत थे कि ऐसा था ही। लेकिन अब ऐसी स्थिति में बड़ी समस्या ये, वो कहता कि मैं सर सच बोल के मुसीबत में आ गया। तो ऐसी गलत है कि बोल के मुसीबत में आ गया। उनको तो बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए थी, विवाह से पहले ही बताना चाहिए था अगर ऐसा कुछ है। एनीवे, खैर अभी जो भी स्थिति है उसके साथ वो अपने आप में निर्णय ले कि मुझे अपने आप में सही समझ सही भाव इंश्योर करना है और दूसरे भी इसको सहयोग करें। बिल्कुल, इसमें तो उनके अंदर ये भाव होना जरूरी है कि मैं अपने आप में सुधार करूंगा। और देखिए, स्किल्स में कोई व्यक्ति प्रवीण हो सकता है, स्किल्स में बहुत आगे हो सकता है, पर तो सही समझ सही भाव की कमी तो हो ही सकती है कि नहीं। और धीरे धीरे ये समस्या बढ़ रही है। इनफैक्ट कभी हम लोग ये शेयर भी कर रहे थे कि अभी हम लोग जो समस्याएं शेयर कर रहे हैं यहाँ पर मॉर्निंग सेशन में, ये व्यवहार से जुड़ा हुआ है या सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, परंतु जिस तरह का भी एजुकेशन जा रहा है ना, ये समस्याएं बढ़ेंगी। मेट्रो सिटीज में बढ़ रही है चारित्रिक दोष वाली समस्याएं, धीरे धीरे समस्या हमारे देश में भी आएंगी जो विदेशों में हो गया है। तो विदेशों में अगर आप लोगों से बात करें तो व्यवहार की समस्याएं कम सुनाई पड़ती हैं, इस तरह की समस्याएं जो जीने में मौलिक रूप से चूक है ज्यादा सुनाई पड़ती है। कम से कम हमारे देश में तो इतना तो बचा हुआ है, अभी परिवार बचे हुए हैं, है ना, संबंधों में निष्ठा बची हुई है। तो जिस तरह का एजुकेशन जा रहा है, जिस तरह का वातावरण है, मीडिया है, ये समस्याएं बढ़ने वाली है। सबसे ज्यादा भैया आत्महत्या की घटनाओं पे बात आती है, सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या करने की बात बताते हैं। जब भी मैं बैठता हूँ बात करने, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो इसलिए क्या होता है जब उन बातों पे भी आती है बात, तो लोग ज्यादातर बात करते हैं कि मैं आत्महत्या करने की तरफ ज्यादा जा रहा हूँ। अभी कल ही एक महिला है, उसकी शादी होने जा रही है, और अब कंडीशन ये है कि वो मुझे कल बोली कि मेरे को ऐसा लगता है मैं संबंधों में नहीं जी पाऊंगी, इससे अच्छा कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो ये बड़ी, मैं सोचने में तैयार हूँ कि ये कैसी स्थिति जहाँ सब लोग उत्सव और उमंग से भरे होते हैं, या आत्महत्या के लिए ख्याल बना रही है। समझाया खैर अलग बात थी, लेकिन देखिए अभी जिस तरह की कंडीशनिंग हो रही है ना, ये जीने में जो चूक हो रही है यंग लोगों में, लड़के लड़कियों में, ठीक है ना, उसमें जो व्यक्ति रिलेशनशिप के प्रति थोड़ा गंभीर होता है उसके अंदर ऐसे डिप्रेसिव थॉट्स आने लगते हैं, क्योंकि आचरण की निश्चितता है नहीं, ठीक है ना। फिर जो भी सिंसियर होते हैं उनके अंदर इस तरह के विचार चलने ही लगते हैं। जो इनसिंसियर होते हैं वो जब पकड़े जाते हैं पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो उनके अंदर ऐसे विचार चलते हैं। तो स्थिति तो ऐसी बन रही है, इसलिए तो बहुत जरूरी है कि हायर एजुकेशन में ये बातें समय से चली जाएं।
खास तौर पर यदि आप देखें तो चरित्र के मुद्दे पे स्पष्टता होना जरूरी है, और उस मुद्दे पे स्पष्टता के लिए मूल्य पे स्पष्टता होने जरूरी है। जी ये जो हम लोग अभी अभ्यास कर रहे हैं कि शरीर से मिलने वाली संवेदना या दूसरे से मिलने वाला भाव, ये निरंतर सुख का आधार नहीं हो सकता, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बात ठीक से बच्चों की कल्पनाशीलता में बैठना जरूरी है। जी भैया धन्यवाद। भैया भैया जी, मेरा ना बड़ा गंभीर मुद्दा चल रहा है, लेकिन गंभीर सवाल है नहीं मेरा। तो मेरी कल मैं बेटा को पढ़ा रहा था ऐसे ही, तो पढ़ाते पढ़ाते क्लॉक पढ़ा रहा था, फिर ये हुआ कि मैथ कहाँ से आया, फिर करते करते बिटिया एक सवाल पूछ बैठी मुझसे कि ये मानव सबसे पहले मानव बना कैसे। मतलब मेरे को बड़ा सवाल देने जवाब देने में ना बड़ी मतलब दे नहीं पाया मैं कि ये मानव की उत्पत्ति क्यों हुई, मतलब बनाई क्यों गए हम। ठीक बात है, प्रश्न तो जेन्युइन है कि मैं हूं ही क्यों, मानव सभी है ना ध्यान अपने ऊपर ले आए तो मैं हूं ही क्यों। ठीक बात है, देखिए ये प्रश्न तो आने अच्छे प्रश्न है, ये बच्चों के अंदर जेन्युइन प्रश्न है, ये आते ही है, क्यों प्रश्न हमारे अंदर उभरने चाहिए, हर एक मुद्दे पे हमारे अंदर क्यों प्रश्न उभरना चाहिए, ये क्यों है और जैसा है वैसा ही क्यों है। तो उसमें मानव को समझना जरूरी है। तो मानव को देखें तो मैं और शरीर दो तरह की वास्तविकता है, ठीक। तो फिर ये समझना बनता है कि शरीर क्यों है और मैं क्यों है। तो क्यों प्रश्न को एक तरह से उत्तर देते हैं तो क्यों का मतलब होता है अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। तो मानव क्यों है तो परिवार में भागीदारी के अर्थ में, समाज में भागीदारी के अर्थ में, ठीक ना। दूसरा जो तरीका बनता है क्यों प्रश्न को उत्तर देने का, कि हम इतिहास को देखते हैं कि इससे पहले क्या घटना हुई जिससे ये घटना तैयार हुई या इससे ये इकाई तैयार हुई, तो क्यों को उस रूप में भी देखते हैं। तो क्यों का एक अर्थ है अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, एक अर्थ है ना वो घटनाक्रम जिससे कोई इकाई तैयार हुई या कोई घटना तैयार हुई। तो जैसे पूर्व की घटना को हम अगली घटना का कारण मानते हैं, जैसे हमने स्विच दबाया तो लाइट ऑफ हुआ, अब लाइट ऑफ क्यों हुआ क्योंकि स्विच दबाया गया, लाइट ऑन क्यों हुआ क्योंकि स्विच दबाया गया। तो लाइट ऑन होना अगली घटना है, स्विच दबाना पहली घटना है। तो मानव क्यों है, यानी कि मानव के होने के पहले क्या घटना है जिससे मानव हुआ। तो फिर मैं का उद्गम क्या है, मैं की उत्पत्ति क्या है, इसको समझना बनता है। शरीर की उत्पत्ति क्या है, इसको समझना बनता है, क्योंकि उस घटनाक्रम को और पीछे जाएंगे तो अल्टीमेटली किसी पॉइंट पे हमको देखना बनता है कि ये उत्पत्ति कहाँ से हुई, मैं की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शरीर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक। अब ये बात यहाँ नहीं रुकेगी, ये बात फिर वहां पहुंचे कि पूरे अस्तित्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये अस्तित्व ही क्यों है, ये धरती क्यों है, सूरज क्यों है, ग्रह गोल क्यों है, ब्रह्मांड ही क्यों है। तो पहले बात तो यह है कि बच्चे को उसके प्रश्न को स्पष्ट करना, ये पूछना क्या चाहता है। तो क्यों प्रश्न को घटनाक्रम के अर्थ में पूछ रहा है या भागीदारी के अर्थ में पूछ रहा है। तो घटनाक्रम के अगर पूछ अर्थ में पूछ रहा है तो हम घटना को और पीछे ले जाएंगे, पूरे अस्तित्व पे ही बात करेंगे, पूरा अस्तित्व ही क्यों है। तो ये प्रश्न हमारे अंदर भी खड़े हो जाते हैं, है ना, कि तो अगर हमें स्पष्टता नहीं तो बच्चे कैसे स्पष्ट करेंगे। हाँ, यही सब समझाने की कोशिश किया लेकिन मैं ना सेटिस्फाइड नहीं था, मतलब कि ये फिर ब्रह्मांड क्यों है, मतलब क्यों है हम अभी कल इस पे बात करेंगे फिर हम लोग, ठीक है, अभी तो समय हो चला है। परंतु इसको संक्षेप में बता दें कि अस्तित्व का मतलब जो कुछ भी है, तो जो कुछ भी है ना वो हमेशा से था, है और रहेगा। तो लेकिन ये बात ना बच्चों में नहीं घुसती है ना दिमाग में। जी ये बात समझाना बहुत बड़ी बात है कि ये है, मतलब पहले से है। देखिए समझाना बड़ी बात नहीं होती है, समझना बड़ी बात होती है। समझ जाएंगे हम समझा देंगे। हाँ बात तो ये कि हम समझे नहीं तो समझा भी नहीं पा रहे। वही तो बच्चों के साथ बात करते हुए कई बार हमको रिलेवेंट प्रश्न मिलते हैं। हाँ जी
बढ़िया भैया, मैं हो चला चर्चा हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं, कल यदि आप अच्छे से ज्वाइन करते हैं तो आप इस प्रश्न से शुरू कर लेंगे। ठीक है भैया, ठीक है जी। बढ़िया, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। आज असाइनमेंट के रूप में स्टेप 1-7 को अपने आप में ऑब्जर्व करना है और अपने आप में सही भाव सुनिश्चित करने का प्रयास करना है।